अमृतसर की पवित्र भूमि जानी जाती है रिच खाने की और सामाजिक परंपराओं के लिए। आज हम सीखेंगे ये डिश जो कहे लंगर वाली दाल, जिसे मंदिर में लगभग रोज बनाया जाता है। उड़द दाल और चने की दाल को एक साथ पकाया जाता है। टमाटर, हरी मिर्च, अदरक बनाने के लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट दाल। आइए देखते हैं क्या सामग्रियाँ चाहिए हमें। सबसे पहले हमें चाहिए दाल। यहाँ मैंने भिगो के रखा है आधे घंटे के लिए स्प्लिट छिलके वाली उड़द दाल को और चना दाल को। मैंने ली है आधा कप स्प्लिट उड़द दाल को और एक चौथाई कप बंगाल ग्राम या चना दाल को। मैंने इसे भिगोया है लगभग आधे घंटे के लिए और फिर मैंने इसे प्रेशर को किया जब तक ये पक के स्मूथ हो जाए। अब हम लेंगे 1.5 कप टमाटर, जिसे कसा हुआ है या बारीक काटा हुआ है। हमें चाहिए 1 चम्मच मक्खन, 2 चम्मच घी। हम लेंगे अदरक को जूलियंस में काट के 1 चम्मच, 2 चम्मच भर के अदरक जिसे कसा हुआ है, 2 से 3 हरी मिर्च, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी। यहाँ मेरे पास है खड़ा धनिया जिसे पीसा हुआ है दरदरा, खड़ा जीरा, हल्दी और तेज पत्ते। सबसे पहले हम पैन को गरम करेंगे और डालेंगे मक्खन। हम इसे पिघलाएंगे बस थोड़ा सा, इसे स्वर्ल करेंगे ऐसे ताकि पिघल जाए अच्छे से। जब ये हो जाए गरम, डालेंगे तेज पत्ते, मिलाएंगे अच्छे से। अब इसमें डालेंगे हम खड़ा जीरा, देंगे इसे 1 मिनट ताकि ये चटक जाए। अब इसमें डालेंगे अदरक, हरी मिर्च, हींग, मिला लेंगे सब कुछ। अब इसमें डालेंगे धनिए का दरदरा पाउडर, मिला लेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। ऐड करेंगे इसमें कसूरी मेथी, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा नमक, मिला लेंगे सब कुछ और डालेंगे टमाटर। जितने ज्यादा टमाटर आप डालेंगे उतना ही अच्छा है इस डिश की फ्लेवर के लिए। अब हम इसे पकाएंगे 5 से 8 मिनटों के लिए, जब तक टमाटर हो जाए नरम और पल्पी। अब ये टमाटर पक रहे हैं पिछली 8 मिनटों से। अब ये हो गए हैं अच्छे से नरम और पल्पी और बस थोड़ा सा लिक्विड बचा है इसमें। इस पॉइंट पे हमें पता है कि टमाटर अब अच्छे से पक गए हैं और मसाले भी घुल चुके हैं और इसकी वजह से आएगी फ्लेवर दाल में। अब हम इसमें डालेंगे ये दाल। मिला लेंगे इसे, बहुत अच्छे तरीके से, और डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी क्योंकि हम इसे पकाने वाले हैं और 8 से 10 मिनटों के लिए, इसीलिए डालेंगे इसमें इनफ पानी। तो ये क्या करेगा कि इसकी वजह से आएगा 8 से 10 मिनटों के बाद इसमें उड़द दाल में आ जाएगा एक अच्छा क्रीमी टेक्सचर और जिससे आएगा बहुत ही अच्छा ल्यूसिश क्रीमी स्वाद। तो ढक्कन को ढक कर इसे पकाएंगे 8 से 10 मिनटों के लिए। और ये दाल हमारी पक रही है और ये है बहुत ही परफेक्ट। मैं गैस को ऑफ करूंगी, मैं चेक करूंगी कंसिस्टेंसी इस समय पर। ये ना होनी चाहिए बहुत ज्यादा रनी या बहुत ज्यादा गाढ़ी। अगर आपको चाहिए डालिए थोड़ा सा पानी। मेरी है एकदम परफेक्ट दाल और जायका भी बहुत ही अच्छा है इसका। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये दाल। सर्व करेंगे इसे बोल में। ये लगती है स्वादिष्ट सिर्फ गरम चावल, रोटी, पराठा, पूरी किसी के भी साथ। अब हम इसे सजाएंगे अदरक के जूलियंस के साथ, थोड़ा सा हरा धनिया, आप डाल सकते हैं पुदीना अगर आप चाहें, और बस थोड़ा सा घी, जिससे आएगा बेहतर स्वाद और जायका। ये दाल है इतनी स्वादिष्ट, आपके परिवार को पसंद आएगी।